This is Akshay sir from Akshay Study Circle, purely for commerce. This is a warm welcome to for everyone, and today we are going to discuss what are the courses. Now after 12th standard, many of those students are searching for new courses, whatever they want to pursue after 12th. This is by making this short video I'm helping those students to search a very beautiful course that will enhance the efficiency of their career. And the course name is Bachelor's in Accounting Finance. And this course you can pursue with Mumbai University, with autonomous colleges and with private universities. So, ये कोर्स क्या है? बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. ये नाम से ही पता चलता है, 3 साल का कोर्स है, FY, SY और TY, जिसमें 6 सेमिस्टर्स होंगे. FY में फर्स्ट एंड सेकेंड सेमिस्टर, SY में थर्ड एंड फोर्थ सेमिस्टर एंड TY में फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेमिस्टर. और हर एक में इंटरनल भी होगा और एक्सटर्नल भी होगा, चाहे आप ऑटोनोमस कॉलेज से करो या मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज से करो. बट आप ये कैसे तय करोगे कि आपको मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज से करना चाहिए या ऑटोनोमस से करना चाहिए? सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉमर्स का वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, या तो मैं यही बोल सकता हूँ ये बेस्ट कोर्स है आफ्टर 12th. अगर आपको डिग्री के लिए करना है और अकाउंट्स में करियर बनाना है, तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको बैफ करना है, तो आपका कट ऑफ बहुत हाई होना चाहिए, चाहे आप ऑटोनोमस कॉलेज से कर लो या मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेज से कर लो. ये बात आपको कंफर्म है कि इफ अगर आपका स्कोरिंग समवेयर अराउंड 90 है, तो आप ये सोच सकते हो, वरना फिर कोई छोटी कॉलेज से करना पड़ेगा. ये आपका एक बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए. दूसरा, आपको अकाउंट्स बहुत अच्छा लगता है, अकाउंट्स ऑफ फाइनेंस के सब्जेक्ट है जो बहुत आपको इंटरेस्ट है, उसमें आप कितना भी मेहनत कर सकते हो, क्योंकि ये कोर्स काफी डिफिकल्ट कोर्स है, इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स माना जाता है. तो आप मुंबई यूनिवर्सिटी से करो या ऑटोनोमस से करो. ऑटोनोमस का ऑब्जेक्ट क्या है? जब आप बोलते हो कि मेरे को ऑटोनोमस कॉलेज में जाना है या ऑटोनोमस कॉलेज से ये पर्टिकुलर कोर्स करना है, तो उसका ऑब्जेक्ट कि आपको प्लेसमेंट होनी चाहिए, वहाँ पे आपको एक्सपोजर होना चाहिए, इंटर्नशिप होना चाहिए. उनका सिलेबस मुंबई यूनिवर्सिटी से भी डिफिकल्ट होना चाहिए. अगर ये पैरामीटर नहीं है, फिर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से कर लो या ऑटोनोमस कॉलेज से करो, कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं. ये आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर, आप मुंबई यूनिवर्सिटी से करो या ऑटोनोमस से करो, लेकिन क्या फर्क है? आज के तारीख में प्लेसमेंट तो कोई कॉलेज में नहीं है. हाँ, ऑटोनोमस में पोर्शन अगर अच्छा है, मुंबई यूनिवर्सिटी से भी डिफिकल्ट है, जहाँ पे आपका नॉलेज एनहांस होने वाला है, तो फिर मैं बोलूँगा आप ऑटोनोमस से करना चाहिए. दूसरी बात, आपका कट ऑफ अगर अच्छा है और अच्छा कॉलेज मिल रहा है, देन यू गो फॉर इट. लेकिन अगर कट ऑफ ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपको छोटे कॉलेज से करना पड़ेगा, बट कोर्स फिर भी बेस्ट ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें. तो FY/SY/TY के जो सब्जेक्ट्स होंगे, मैं इन एट ए जिस्ट बता रहा हूँ. FY के तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, FC, BC और EVS ये 3 कॉमन सब्जेक्ट होंगे, बाकी अकाउंट्स मैथ्स ये वो सब रहेगा उसमें, मैथ्स एंड स्टैट्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स. बाकी पूरे FY/SY/TY में जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होंगे, वो कॉस्टिंग, FM, एडवांस अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्टिंग, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, GST, ये सब कुछ कवर होगा इसमें. फिर इंडस्ट्रियल लॉ, बिजनेस लॉ, ये सब कुछ कवर होगा. काफ़ी बेहतरीन सिलेबस है, और सबसे बेस्ट पॉइंट इसका, TY का जो सिलेबस है बहुत डिफिकल्ट है, जो यहाँ पे कंपटीशन स्कोरिंग के लिए कम होती है, जो लोग स्कोर करते हैं ऐसे नंबर ऑफ पीपल ही बहुत कम है जो ओ ग्रेड लाते हैं. ओ ग्रेड इज द बेस्ट ग्रेड फॉर बैचलर्स, ओ ग्रेड या A+ भी अच्छा माना जाता है. अब यहाँ पे एवरेज दो तरीके से एवरेज होगी. एक, आप जब सेमिस्टर दोगे, मान लो आपने फर्स्ट सेमिस्टर दिया, अब फर्स्ट सेमिस्टर में 7 सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 7 सब्जेक्ट होते हैं, 6 भी होते हैं, सेमिस्टर वाइज चेंज होते हैं, बट मैं यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि अगर आप 7 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, आपका इंटरनल होगा, एक्सटर्नल होगा, दोनों के ग्रेड मिला के CGPA आएगा, ठीक है, तो ऑलरेडी 7 सब्जेक्ट का मिला के 1 ग्रेड आया आपका, बराबर. अब 6 के 6 सब्जेक्ट आपके कवर हो गए,
6 के 6 सेमेस्टर आपने कवर कर लिए। अब 6 के 6 सेमेस्टर करने के बाद जब कॉन्वोकेशन मिलेगा, उस कॉन्वोकेशन में ये 6 सेमेस्टर का और एक एवरेज ग्रेड आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहीं इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, कहीं जॉब के लिए जा रहे हो, या कोई भी और पैरामीटर के लिए जा रहे हो, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और सिलेबस तो बहुत अच्छा है, ये इंटर का सिलेबस इससे बेस्ट सिलेबस आपको बैचलर लेवल पे जल्दी से मुंबई के आसपास आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, और ये मेहनत करने वालों के लिए कोर्स है। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, ये कोर्स आपके लिए नहीं है। अगर आप हार्ड वर्क करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए, वरना ये कोर्स आपके लिए नहीं है। तो ऑल द बेस्ट। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉमर्स से रिलेटेड 9022380636। इस पर आप, या मेरे चैनल पे भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी गाइडेंस दे दूंगा आपको। और ये टोटली फ्री ऑफ चार्ज है। हाँ, अगर किसी को कॉमर्स के लिए क्लासेस चाहिए थाने में, तो आप जरूर उनको रिकमेंड कर सकते हैं। मेरा क्लासेस 11th 12th FYSY TY BCOM बैक BMS BBA BFM हर एक बैचलर कोर्स ऑल सब्जेक्ट्स चलाते हैं हम लोग। 11th 12th सारे कोर्स के लिए CA CS और MBA, ये सारे कोर्सेस यहाँ पे चलते हैं। अगर आप किसी को चाहिए तो आप प्लीज़ रिकमेंड कीजिए। और आगे ऐसे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे, उसके लिए अगर आप टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उस टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएंगे जो मेजोरिटी बच्चे चाहते हैं, जैसे हमने आज बैथ के लिए बनाया। ओके, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।